हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे आसान और स्वादिष्ट प्याज पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्याज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक परात और इसमें हम ऐड कर देंगे ढेर सारा प्याज। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 इंच अदरक, जिसे मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इसकी जगह पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, बस और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब कभी भी आपको खाना बनाने का मन ना करे या कुछ समझ में ना आए क्या बनाएं, तो इस प्याज पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कुछ इस तरीके से मसलते हुए आप इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे हमें स्टफ़ नहीं करना है, इसे हमें इसी तरीके से बनाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आटा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गेहूँ का आटा, लगभग 3 कप। आटा और प्याज की क्वान्टिटी आप अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे कुछ इस तरीके से आप मिक्स कर ले, ताकि जो हमारा प्याज है वो आटे में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे गूँथेंगे। तो गूँथने के लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करें और इसे आप गूँथ लें। इसका जो हमें डो लगाना है ना, वो थोड़ा सा हार्ड लगाना है। सॉफ्ट डो ना लगाएं, हार्ड डो लगाएं, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है नमक। और जैसे ही नमक प्याज पर पड़ता है, प्याज जो है वो पानी रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारा जो डो है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा गीला होता जाएगा। इसीलिए अगर आप इसका जो डो है वो हार्ड लगाओगे, तो आप इसके पराठे आसानी से बेल पाओगे। अगर आप इसका जो डो है वो सॉफ्ट लगाओगे, तो आपको पराठे बेलने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरीके से गूंथ लिया है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो इस आटे को हम रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, हम इसका इमीडिएटली पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डो के मैं 2 हिस्से कर लेती हूँ। आपको थोड़ा सा आटा की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, मैं यहाँ पर 5 आदमी के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। वापस इस डो को भी हम 2 हिस्से में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और इसके इस तरीके से बॉल बनाएंगे, ये देखिए। और अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डो लेंगे, उसे इस तरीके से राउंड करेंगे, चपटा करेंगे और सूखे आटे में अच्छी तरीके से डस्ट करेंगे। सूखा आटा अच्छी तरीके से लगाएं, ताकि आपको बेलने में आसानी हो। उसके बाद इसे इस तरीके से चपटा करेंगे और अब हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे। ज़रूरत लगने पर आप थोड़ा सा सूखा आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे इस तरीके से बेल लें। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। जिस तरीके से आप पराठा बेलते हो, उसी तरीके से बेल लें। तो यहाँ पर मैंने ये पराठा जो है वो बेल लिया है, तो इसे हम सेक लेते हैं। तो अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो इसे हम गरम तवे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद आप इसे इस तरीके से पलट दें। इसके ऊपर आप हल्का सा तेल लगा लें। उसके बाद वापस से इस तरीके से पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से तेल लगा लेंगे और ब्राउन स्पॉट्स आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार है। तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो सेम इसी तरीके से एक और पराठा बनाकर दिखा देती हूँ। तो एक पराठे को तवे के ऊपर डालेंगे, फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से तेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। दूसरी तरफ भी आप अच्छी तरीके से तेल अप्लाई करें और इसे इस तरीके से पलट दें। ब्राउन स्पॉट्स आने तक आप इसे पका लें। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है। तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो देखा ना आपने, प्याज पराठा बनाना कितना आसान है। जब कभी भी आपको कुछ बनाने का मन ना करे या कुछ समझ में ना आए ना, तो ये रेसिपी को एक बार ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।